बहुत हो गया, अब मैं आज रात ही तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार किया। एक भी पग आगे मत बढ़ाना रावण। बढ़ा तो सावधान रावण, मेरे निकट आने की चेष्टा भी मत करना, अन्यथा मैं तुम्हें इस तृण से मार दूंगी। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं भयभीत हूं, कर दो, मैं लज्जित हूं। रावण अभेद्य है, अभेद्य, बड़े से बड़ा शस्त्र भी उसका हित नहीं कर सकता। और तू इस छोटे से तृण से मुझे रोकने का प्रयास कर रही है। एक क्षण, वृक्ष की छोटी सी टहनी से तू मुझे रोक रही है, मैंने उस पूरे वृक्ष को उखाड़ के फेंक दिया। स्वामी, मौन मौन। हे ईश्वर, यदि मैं पतिव्रता हूं तो मेरे और रावण के मध्य इस तृण को पार करते ही ये रावण जलकर भस्म हो जाए। रावण मत भूल, नल कुबेर का श्राप है तुझे, यदि तूने किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग करने का प्रयास किया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अपने आप को अबला से सबला समझने से पूर्व मेरी बात ध्यान से सुन सीता, यदि मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण तुझे यहां से ले जाके अपनी सेज पर तुझे अपनी पत्नी बना सकता हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। तू अपने उस राम की प्रतीक्षा करना चाहती है ना, तू कर, क्योंकि वो दिन अवश्य आएगा जब तेरा विश्वास टूटेगा, तू स्वयं मेरे पास आएगी और मुझे स्वीकार करेगी, ये होगा मेरा प्रतिशोध उस राम से भी
और तुझसे भी। श्रीराम आ जाइए श्रीराम, अपनी सीता को अपने साथ ले जाने आ जाइए, मेरे इस अपमान के लिए रावण को दंडित करने आ जाइए श्रीराम। जय श्रीराम। रुक क्यों गए, बताओ ना आगे क्या हुआ? अब बारी है उस प्रसंग की जो इस रामायण का सबसे प्रमुख प्रसंग है। ये वो प्रसंग है जिसमें वो होगा जिसकी सदियों से प्रतीक्षा की जा रही थी। ये वो प्रसंग है जिसमें एक भक्त अपने आराध्य से मिलने वाला था। बताइए क्या आप में से कोई जानता है कि वो कौन है जिनके बिना ये रामायण की कथा अधूरी है? कौन हो सकता है? किसके बिना रामायण अधूरी है? हनुमान जी, उनके बिना रामायण अधूरी है। सच कहा आपने, हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी ही है। किंतु भक्त और उनके आराध्य की ये भेंट इतनी सरल नहीं थी। क्यों, इसमें ऐसी क्या कठिनाई है? वो हम आपको बताएंगे। श्री, वन में दो आगंतुक आए हैं। वन में रहना केवल हमारा अधिकार नहीं है वानर भद्र। अवश्य ऋक्षराज, परंतु उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हैं। उनके हाथ में धनुष बाण है, उनकी भुजाओं में बल है, उनके मस्तिष्क पर तेज भी है और उनके कान जैसे किसी की आहट सुनने को आतुर हैं। बाली भैया, ये अवश्य बाली भैया के गुप्तचर हैं जो मुझे ढूंढते हुए आए हैं। सुनो, उनकी शक्ति का परीक्षण करो और उन्हें ऋषिमुख पर्वत पे आने से रोको। जाओ, शीघ्र जाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ है? भैया यहाँ कोई है। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि हमारे वन में ही आकर हम पर शस्त्र तान कर तुम हमारा आखेट करोगे। श्री राम प्रसाद, अब भोगो इसका प्रतिकार। लक्ष्मण रुक जाओ, लक्ष्मण Thank you.
प्रभु सुग्रीव, जामवंत जी, वो दो ऋषि कुमार, उनमें से एक ने वन में हम पर आक्रमण कर दिया। कई वानर घायल हो गए और कई वानर अपने प्राण बचाकर यहाँ वहाँ भाग गए। मेरी वानर सेना पर आक्रमण करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। सेना को बढ़ा दो, हम अभी इसी क्षण जाकर उनका सामना करेंगे। सज्ज हो जाओ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जामवंत जी, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? वानरों ने बताया कि वो दो ऋषि कुमार हैं, परंतु प्रहार केवल एक ही कर रहा है। हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए लक्ष्मण, हमें केवल इस पथ पर आगे बढ़ना है। रुक जाओ मेरे भाई। मैं आपका अभिप्राय समझ नहीं पाया जामवंत जी। ये सत्य है कि केवल एक ही प्रहार कर रहा है, परंतु हम इस वास्तविकता को बदल नहीं सकते कि वो हमारे ही धरती पर आकर हमारे ही प्रजा को आहत कर रहे हैं। सोच के देखो सुग्रीव, जिस वानर सेना को कोई भी परास्त नहीं कर सकता, उस पर वो एक अकेला ऋषि कुमार भारी पड़ रहा है और दूसरा उसे रोक रहा है। अर्थात वो कोई सामान्य आक्रमणकारी नहीं है, वो कोई और ही है। तो फिर इसका पता कैसे लगाएंगे हम? इसका पता तो केवल वो ही लगा सकते हैं